हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर टू फोर सेवन आईज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टड ए सीरीज़ ऑफ़ एम सी क्यूज़ और उस सीरीज़ की हमारी ये ट्वेंटी सेकेंड वीडियो है इससे पहले ट्वेंटी वन वीडियोज़ में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एज ऑफ चौसर एज ऑफ रिवाइबल एलिजथन एज एंड जैकोबियन एंड कैरोलिन एज को एम सी क्यूज़ के माध्यम से डिस्कस किया है यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्ले में जाकर वहाँ से देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जैकोबियन एंड कैरोलिन एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जैकोबियन एंड कैरोलिन एज की हमारी ये थर्ड वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये ट्वेंटी सेकेंड वीडियो होगी तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर इथामोर इज़ अ सेकेंड विलेन इन द प्ले ये कहना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर इथामोर है ये सेकंड विलेन है प्ले का और आपको ये बताना है कि किस प्ले का ये सेकंड विलेन है फर्स्ट है टैम्बर लेन द ग्रेट सेकंड है द जी ऑफ माल्टा थर्ड है द स्पेनिश ट्रेजिडी फोर्थ है द डेज ऑफ मालफी और इसका सही आंसर है द जू ऑफ़ माल्टा बेसिकली ये जो प्ले है द जू ऑफ़ माल्टा इसको लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा और ये एक रिवेंज ट्रेजडी है कैसी ट्रेजडी है रिवेंज ट्रेजडी है जिसे लिखा गया था फ़िफ्टीन एट्टी नाइन से फिफ्टीन नाइन्टी के बीच में इसमें एक और बहुत ही इंपॉटेंट कैरेक्टर होता है बारब्रस बारब्रस जो होता है इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट होता है यानी कि नायक होता है और इसका प्रोफेशन क्या होता है ये एक रिच जू मर्चेंट होता है माल्टा का माल्टा का क्या होता है एक मर्चेंट होता है जो कि यहूदी होता है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है द फॉलोइंग मेटाफिजिकल अ टाइटल प्रेयर टू कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा एक मेटाफिजिकल पोएट है जिसने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है प्रेयर टू बेन जॉनसन क्या पोएम का नाम है प्रेयर टू बेन जॉनसन है वेर ही कॉल्स द ओल्डर पोएट सेंट बेन जिसको ये पोयट को क्या कहता है सेंट बेन कहता है आपको ये बताएं ये किसके द्वारा लिखा गया है यानी कि जो प्रेयर टू बेन जॉनसन एक पोएम है और ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है फर्स्ट है रॉबर्ट हेरिक सेकंड है थॉमस केर्यू थर्ड है एंड्रयू मॉरवेल फोर्थ है जॉनडन तो हमारा सेकंड का सही आंसर होता है फर्स्ट ये रॉबर्ट हेरिक के द्वारा ये पोएम को लिखा गया है ठीक है तो प्रेयर टू बेन जॉनसन एक पोए है जो लिखा गया है रॉबर्ट हेरिक के द्वारा अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का इन विच ऑफ बेन जॉनसंस प्लेज इज होरेस द चीफ कैरेक्टर आपको ये बताना है कि बेन जॉनसन का कौन सा प्ले है जिसमें जो होरेस होता है एक चीफ कैरेक्टर होता है एक मुख्य कैरेक्टर होता है फर्स्ट है द एलकेमिस्ट सेकेंड है द पोएटिस्टर थर्ड है सिंथिया रेवल्स और फोर्थ है सेजेनस इसका सही आंसर है बी जो इनका प्ले होता है उसी में जो होरेस होता है ये चीफ कैरेक्टर होता है ये जो प्रोटेस्टर होता है बेसिकली इसे लिखा गया है बेन जॉनसन के द्वारा और ये एक सटायरिकल कॉमेडी है कैसी कॉमेडी है सटायरिकल कॉमेडी तो अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का आई स्ट्रक बोर्ड एंड क्राइड नो मोर आई विल अब्रोड वर्ट शेल एवर साई एंड पाइन दिस लाइन्स रिटन बाय आपको ये बताना है कि जो लाइंस हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। फर्स्ट है जॉन डन, सेकंड है जॉर्ज हर्बर्ट थर्ड है हेनरी वेगन फोर्थ है एंड्री मॉरवेल और फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी ये लाइन लिखी गई हैं जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा बेसिकली जॉर्ज हर्बर्ट का एक पोएम है जिसका नाम है द कॉलर सी ओ डबल एल ए आर द कॉलर उसका नाम है और इस पोएम को वेल्श पोइट जॉर्ज हार्बर्ट के द्वारा लिखा गया है इट इज़ द पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स विद इन हार्बर्ट्स बुक यह हार्बर्ट की बुक है जिसका नाम है द टेम्पल उसका एक पार्ट है उसकी पोएम्स की कलेक्शन का इसलिए सही आंसर होगा बी अगला क्वेश्चन हमारा है फाइव नंबर का द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज 1597 कंटेंट ये कहना चाहते हैं कि जो ए, जो फ्रांसिस बेकन का फर्स्ट एसेज है जो फर्स्ट एसे एसेज का जो फर्स्ट एडिशन होता है जो कि पब्लिश होता है पंद्रह सौ सतानबे में और उसमें कितने एसेज़ होते हैं तो उसमें आपको बताना है कितने एसेज़ होते हैं और उसमें टोटल है टेन ट्वेल्व फिफ्टीन या ट्वेंटी टू तो उसका सही आंसर होता है पाँच नंबर का ए यानी कि उसमें टोटल टेन एस एज़ होते हैं अब याद रखेंगे जो सर फ्रांसिस होते हैं इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्स नंबर का द फॉलोइंग लाइंस आर रिटर्न बाई जॉन्डन ये जो लाइन है ये जॉन्डन के द्वारा लिखी गई है लाइन क्या है नेवर सेंट टू नो फॉर होम द बेल टोल्स इट टोल्स फॉर दी इस लाइन में द बेल जो है वो सिग्निफाई करता है किस चीज को फर्स्ट है चर्च बेल सेकेंड है वर्ड ऑफ गॉड थर्ड है जेस्टर्स ऑफ लव फोर्थ है डेथ बेल इसका सही आंसर है डी डेथ को वो इंडिकेट करता है ये जो पोएम है फॉर होम यहाँ से पोएम स्टार्ट होता है फॉर होम द टोल्स ये यहाँ तक के पोएम का नाम है फॉर होम द बेल्टोल्स ये एक पोएम है और इस पोएम को लिखा गया है डन के द्वारा अगला क्वेश्चन हमारा है सेवन uh, नंबर का हु ऑफ द फॉलोइंग अक्यूज डन फॉर परप्लेक्सिंग कौन व्यक्ति है जिसने डन को अक्यूज किया है परप्लेक्स करने के लिए परेशान करने के लिए द माइंड ऑफ द फेयर सेक्स विद नाइस स्पेकुलेशंस ऑफ फिलोसफी तो फर्स्ट है ड्राइडन सेकंड है जॉनसन थर्ड है पो फोर्थ है सेंट्स बेरी और इसका सही आंसर है सेवन का ए ड्राइडन अगला क्वेश्चन हमारा है एट नंबर का और एट नंबर का क्वेश्चन है इन द पोएम द एनिवर्सरी एनिवर्सरी एक पोएम है उस पोएम की बात कर रहे हैं जॉन्डन सेज दैट ऑल किंग्स एंड ऑल देयर फेवरेट्स ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑफ ऑनर्स Beauty is विट्स the sun itself which makes time as they pass is elder by a year now than it was but asserts that only dash hath no decay ये जो लाइन है एनिवर्सरी की पोइम की लाइन है और आपको बताना है कि बीच में क्या आएगा डैश जो रेखा है फर्स्ट है आवर लव सेकंड है आवर यूथ थर्ड है आवर पैशन फोर्थ है आवर लाइफ्स तो एट नंबर का जो हमारा सही आंसर है वो फर्स्ट है आवर लव ओनली our लव हैथ नो डिके ये कहना चाहते हैं सिर्फ हमारा प्यार ही है जो कभी डिके नहीं होगा कभी नष्ट नहीं होगा कभी बर्बाद नहीं होगा अगला क्वेश्चन हमारा है नाइन नंबर का विच ऑफ कैवेलियर पोएट्स हु बिलोंग टू द ग्रुप बिकॉज ऑफ हिज स्टाइल रादर देन रैंक एज अ कोर्टियर रोट द पोएम हिज कैवेलियर वेयर ही अ कैवेलियर ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा पोएट है जो कि कैवेलियर ग्रुप से बिलोंग करता है और वो इसलिए नहीं बिलोंग करता है ये के होने की वजह से आपको बताना है कि वो पोएट कौन सा फर्स्ट है, है थॉमस केर्यू सेकेंड है रिचर्ड थर्ड है जॉन सकलिंग फोर्थ रॉबर्ट हेरिक तो हमारा नाइन नंबर का सही आंसर है डी रॉबर्ट हेरिक अगला क्वेश्चन हमारा है टेन नंबर का ड्यूरिंग होज रेन डिड द विंग्स एंड टोरीज कम इन टू एग्जिस्टेंस ये कहना चाहते हैं कि किसकी शासन कॉल में ये जो विंग्स और टोरीज जो कि दो मेम्बर्स होते हैं ये एग्जिस्टेंस में आते हैं अस्तित्व में आते हैं तो फर्स्ट है चार्ल्स फर्स्ट सेकेंड है ओलिवर क्रोम्बेल थर्ड है चार्ल्स सेकेंड और फोर्थ है जेम्स सेकेंड और टेन नंबर का हमारा सही आंसर है सी चार्ल्स सेकेंड ये जो विंग्स एंड टोरीज होते हैं ये मेंबर होते हैं टू अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज के और ये एग्जिस्टेंस में आते हैं चार्ल्स से सेकंड के शासन में तो सही आंसर होगा सी अगला क्वेश्चन हमारा है एलेवन नंबर का विक्टोरिया क्रोम्बोना इज अ कैरेक्टर इन आपको ये बताना है कि जो विक्टोरिया क्रोम्बोना है ये किस प्ले का कैरेक्टर है फर्स्ट है फिलास्टर सेकेंड है द वाइट डेविल थर्ड है Lane, और फोर्थ है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर तो हमारा जो इलेवन नंबर का है नंबर का हमारा सही आंसर होगा इसका आंसर होगा बी द वाइट डेविल का एक कैरेक्टर है द वाइट डेविल है सो लिखा गया है इसको लिखा गया जॉन वेबस्टर के द्वारा तो अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेल्व नंबर का थॉमस शेडवेल हु इज अटैक्ड इन मैक फिलिक्नो कंसीडर्ड हिमसेल्फ एंड ईयर टू ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति है थॉमस शेडबल पे अटैक किया गया है एक वर्क है मैक फिलिक्नो में जो अपने आप को कंसीडर करता है किस व्यक्ति का वारिश तो फर्स्ट है शेक्सपियर सेकंड है वर्जिल थर्ड है बेन जॉनसन फोर्थ है चार्ल्स सेकंड और ट्वेल्थ का हमारा सही आंसर है बेन जॉनसन तो ये जो एक वर्क है मैक फ्लेक्नो इसका फुल टाइटल है मैक फिलेक्नो और सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोइट सेंट ये इसका फुल टाइटल है इट इज अ मॉक हीरोइक सटायर ये बेसिकली एक मॉक हीरोइक सटायर है जिसे लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा इसे लिखा गया है और इसमें डायरेक्ट अटैक किया गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा थॉमस शेडवल पर किस पर अटैक किया गया थॉमस शेडल पर डायरेक्ट अटैक किया गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा और इसी क्या होता है कि जो थॉमस शेडोल होते हैं वो अपने आप को कंसीडर करते हैं मानते हैं बेन जॉनसन का वारिस उत्तराधिकारी तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी होगा अगला क्वेश्चन हमारा है थर्टीन नंबर का हु सेड डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व डिजर्व इसकी सही लाइन है यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया डिजर्व इसकी सही लाइन है डिजर्व डिजर्व हैंगिंग किसके द्वारा कहा गया है फर्स्ट है बेन जॉनसन सेकंड है जॉन ड्राइडन थर्ड है डॉक्टर जॉनसन फोर्थ है मैथ्यू और द्वारा कहा गया है अगला क्वेश्चन हमारा नंबर का है बेन जॉनसन प्ले द अल्केमिस्ट ऑफर्स अ पिक्चर ऑफ ये कहना चाहते हैं बेन जॉनसन का जो प्ले है जिसका नाम है द अल्केमिस्ट और ये किस चीज की पिक्चर को ऑफर करता है प्रदर्शित करता है डिस्प्ले करता है या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट है रेनेसा यूरो सेकेंड है एलिजाबेथन कंट्री साइड थर्ड है एलिजाबेथन लंडन और फोर्थ है साइंटिफिक रिवोल्यूशन तो हमारा फोर्टीन नंबर का सही आंसर है सी एलिजाबेथन लंडन यानी कि लंडन का यह पिक्चराइजेशन करता है एलिजाबेथन के समय में अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्टीन नंबर का हु रोड द पोएम दैट हैज द फॉलोइंग लाइन्स ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है और ये कहना चाहते हैं कि ये जो पोएम्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है पोएम कौन सी है स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक Nor iron walls a cage. ये किस पोए से लाइन लेकर ही आपको बताना है तो फर्स्ट है जॉन सकलिंग और हमारा जो फिफ्टीन है फिफ्टीन का सही आंसर है सी रिचर्ड लवलेश रिचर्ड लवलेशस की एक पोएम है जिसका नाम है टू अल्थिया ए एल टी एच ई टू अल्थिया फ्रॉम प्रिजन ये पोएम का नाम है और इस पोएम को लिखा गया था 1642 में और इसे लिखा गया था रिचर्ड लवलेश के द्वारा और उसी की ये लाइनें हैं इसलिए सही आंसर होगा सी अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्सटीन नंबर का द पोएम द मिस्ट्रेस यानी कि पोएम जो मिस्ट्रेस है मिस्ट्रेस पोएम का नाम है द लास्ट एंड द मोस्ट वायलेंट एक्सप्रेशन ऑफ लव एफेक्टेशन सेवनटीन सेंचुरी इज बाय और आपको बताना है कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है फर्स्ट है जॉन डन सेकेंड है एंड्रयू मारवेल थर्ड है अब्राहिम कोले फोर्थ है रिचर्ड लवलेस तो हमारा सिक्सटीन नंबर का सही आंसर है सी इसे लिखा गया है अब्राहिम कोले के द्वारा अगला क्वेश्चन हमारा है सेवनटीन नंबर का डंस टू एनिवर्सरीज वर रिटेन फॉर जॉन्डन की टू एनिवर्सरीज़ हैं यानी कि ये पोएम्स हैं और ये किसके लिए लिखी गई हैं आपको बताना है फर्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है आप पीजेंड गर्ल थर्ड है सर रॉबर्ट ड्रूरी फोर्थ है एनी मूर और इसका सही आंसर है सेवनटीन का सी है सर रोबर्ट ड्रूरी ये जो एनिवर्सरीज़ होती हैं बेसिकली ये पोयम है जो कि जॉन्डन के द्वारा लिखी गई हैं और इस पोयम को जॉन्डन ने लिखा था टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ एलिजाबेथ ड्रूरी एलिजाबेथ ड्रूरी की मृत्यु को याद करने के लिए कमेमोरेट करने के लिए लिखा था और ये जो एलिजाबेथ ड्रूरी होती है ये चौदह साल की एक लड़की है और ये बेटी होती है रॉबर्ट ड्रूरी की ये रॉबर्ट ड्रूरी की बेटी होती है इसलिए सही आंसर हो जाएगा सर रॉबर्ट ड्रूरी अगला क्वेश्चन हमारा है एटीन नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज अ प्ले विद इन अ प्ले इसमें का कौन सा एक प्ले है जिसके अंदर भी एक प्ले है फर्स्ट है द स्पेनिश ट्रेजिडी सेकेंड है वॉलपोन थर्ड है फिलास्टर फोर्थ है दचेज ऑफ मालफी और हमारा एट्टीन नंबर का सही आंसर है ए है द स्पेनिश ट्रेजिडी ये जो स्पेनिश ट्रेजिडी है इसको लिखा गया है थॉमस किट के द्वारा और थॉमस किड ने इसको लिखा है सेनिकन ट्रेजडी के पैटर्न पर सेनिकन ट्रेजडी एक रिवेंज ट्रेजडी होती है और उसके बाद में जो ट्रेजडी होती है इसी पे मॉडल की गई है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड अगला क्वेश्चन हमारा है नाइनटीन है हाउ मैनी होली सोनेट्स डिड जॉन्डन राइट आपको ये बताना है कि जॉन्डन ने कितनी सोनेट्स लिखी है बेसिकली जो होली सोनेट्स होती हैं ये सोनेट का कलेक्शन होता है तो इसमें कितनी सोनेट्स होती हैं आपको ये बताना है फर्स्ट है ट्वेंटी सेवन सेकेंड है नाइन्टीन थर्ड है सेवनटीन फोर्थ है फोर्टीन तो नाइन्टीन का हमारा सही आंसर है बी इसमें कितनी होती है नाइनटीन सोनेट्स होती हैं तो ये जो होली सोनेट्स होती हैं इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है डिवाइन मेडिटेशन या डिवाइन सोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है ये नाइन्टीन सोनेट्स की सीरीज होती हैं और ये जॉन डन के मृत्यु के बाद में पब्लिश होती हैं सोलह सौ तैंतीस में तो सही आंसर होगा बी और अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेंटी नंबर का विच यो सेवेंटी सेंचुरी राइटर इज बेस्ट नोन फॉर हैविंग री किंग लियर विद अ कॉमिक एंडिंग ये कहना चाहते हैं कि सेवनटीन सेंचुरी का कौन सा राइटर है जो बहुत ही फेमस है किंग लियर को दोबारा लिखने के लिए और जो किंग लियर को उसने दोबारा लिखा है उसकी एंडिंग है कॉमिक एंडिंग है फर्स्ट है नाहुम टेल सेकेंड है जॉन हॉल थर्ड है विलियम कॉन्ग्रीव फोर्थ है जॉर्ज

सेकंड है सेजनस थर्ड है ईस्ट वार्ड ये उड नहीं है यहाँ पे ईस्ट वार्ड हो और फोर्थ है सेटेरो इसका सही आंसर ही है, है सी ईस्ट है, वार्ड हो ही कहीं कहीं इसको पहले लिखते हैं एच ओ लिखते हैं और कहीं कहीं एच ओ ई लिखते हैं और यहाँ पे डब्ल्यू ए आर डी वार्ड है तो जो हमारा ट्वेंटी फर्स्ट नंबर का है सही आंसर सी है जो ईस्ट वार्ड हो होता है ये बेसिकली जैकोबियन इरा का एक स्टेज प्ले कैसा है जैकोबियन इरा का एक स्टेज प्ले है और इसे लिखा गया है जॉर्ज चैम्पमैन बेन जॉनसन जॉर्ज मास्टन के द्वारा इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया है ब्लैक फ्रायर थिएटर में ब्लैक फ्रायर थिएटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिएटर है जैकोबियन इरा का तो उसी थिएटर में इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेंटी नंबर का विमेन बीवेर विमेन अ प्ले बाय मिडल्टन यूज द डिवाइसेस ऑफ द गेम ऑफ ये कहते हैं एक प्ले है जिसका नाम है विमेन विवेयर विमेन एक प्ले है जो कि मिडल्टन थॉमस मिडल्टन के द्वारा लिखा गया है और इसमें यह किस गेम की डिवाइस को यूज़ करता है फर्स्ट है क्रोचेड सेकंड है चेस थर्ड है हाइड एंड सी फोर्थ है बॉलिंग तो सही है द गेम ऑफ चेस द गेम ऑफ चेस जो होता है बेसिकली टी एस इलियट का एक बहुत ही फेमस पोएम है द वेस्ट लैंड और उस जो वेस्ट लैंड है उसमें फोर फाइव सेक्शंस हैं और उस सेक्शन का एक जो पार्ट होता है वो है द गेम ऑफ चेस और उसी डिवाइस को इस प्ले में यूज़ किया गया है अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेंटी थर्ड नंबर का थॉमस मिडल्टन्स द विच इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर इन राइटिंग ये कहना चाहते हैं जो थॉमस मिडल्टन होता है उनका एक वर्क है जिसका नाम है द उसने इन्फ्लुएंस किया है शेक्सपियर को को कौन से वर्क लिखने के लिए तो फर्स्ट है अमिड समर नाइट्स ड्रीम सेकेंड है द टेम्पेस्ट थर्ड है मैकबेथ फोर्थ है ट्वेंटी थ्री नंबर का आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा तो ट्वेंटी नंबर का सही आंसर होगा सी मैकबेथ ये जो तो सही आंसर होगा सी ये दो द विच द विच जो यहाँ पर यूज़ किया गया है द विच ये द विच बेसिकली एक जैकोबियन ट्रेजिक कॉमेडी है जिसे लिखा गया थॉमस मिडल्टन के द्वारा लिखा गया है और इसको सबसे पहले एक्ट किया गया था परफॉर्म किया गया था ब्लैक फ्राइड थिएटर में अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेंटी फोर नंबर का लुकेस्टा इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स कंपोस्ड बाई ये कहना चाहते हैं लुकेस्टा जो है पोएम्स की कलेक्शन है लेकिन ये किसके द्वारा कंपोज किया गया First है फर्स्ट है हेरिक सेकंड है सैमुअल बटलर थर्ड है रिचर्ड लवलेस और फोर्थ है थॉमस हेवुड और ट्वेंटी फोर का सही आंसर होता है सी इसको लिखा गया है रिचर्ड लवलेस के द्वारा अगला क्वेश्चन हमारा है, है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव नंबर का हु सेट किसने कहा टू जस्ट ऑफ पोएट्स इज नॉट ओनली द फैकल्टी ऑफ पोएट्स एंड नॉट ऑफ ऑल पोइट्स बट द बेस्ट ये कहते हैं पोइट को जज करने के लिए सिर्फ द फैकल्टी ऑफ पोइट्स ही जज कर सकते हैं और ये सारे पोइट्स का काम नहीं होता है बल्कि उसमें जो बेस्ट पोइट होता है वो जज कर सकता है किसने कहा है फर्स्ट है बेन जॉनसन सेकेंड है सैम्यूल जॉनसन थर्ड है पी ए सिलियट फोर्थ है मैथ्यू और इसका सही आंसर है ए बेन जॉनसन ने इस लाइन को कहा है तो यह रहे हमारे आज के क्वेश्चन हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीजेंट टेक केयर हैव अ गुड टाइम